Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. My name is Tarandeep Singh and welcome to our YouTube channel. आज हम बात करेंगे इस NEET exam के बारे में. एक बहुत ही important update है students, जो NEET exam के बच्चे हैं जिन्होंने इस बार NEET का exam दिया है उनके लिए. वो अपडेट ये है कि इस बार जो NEET का एग्जाम बच्चों ने दिया है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको एक बार दोबारा से रिकरेक्ट कर सकते हैं. जी हाँ, NTA ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो को दोबारा से रीओपन किया है जो कि 23rd of September से 30th of September तक होगा. तो आइए इसके बारे में जानते हैं. उससे पहले आप प्लीज हमारे YouTube चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सो देट आप इम्पोर्टेंट अपडेट मिस मत करें. तो आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं. तो NEET एग्जाम जो इस बार हुआ है 30th of September को, हम सबको पता है उसका जो करेक्शन विंडो है ये 5 बार ओपन हुआ है. क्योंकि आपको पता है 2 बार तो ये एग्जाम शेड्यूल ही हुआ है, रीशेड्यूल हुआ है, तो इसीलिए जो NEET का करेक्शन विंडो है वो 5 बार ओपन हुआ है. मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ एक समरी कि जो पहला करेक्शन विंडो था वो 15 जनवरी से 31 जनवरी को था. दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल से 3 मई को. जो थर्ड हुआ है वो हुआ है 15 मई से 31 मई को. और जो फोर्थ था वो था 4th of July से 20th of July. एंड फिफ्थ, दैट इज द फाइनल वन, फ्रॉम 23rd September टू 30th September. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि अगर अभी भी कोई करेक्शन ऐसी है जो आपकी रह गई है करने को, तो दिस इज योर लास्ट चांस कि आप 30 सितंबर से पहले पहले इसको क्लियर कर दें. अब ये बहुत ही क्लियर है कि अगर 30 सितंबर तक NEET का करेक्शन विंडो है, इट मीन्स कि जो रिजल्ट है वो 1st week of October से पहले नहीं आने वाला. तो गाइज मेक श्योर कि आप जो है अपनी जो डिटेल्स हैं उसको दोबारा से रीवेरीफाई करिए. और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये पब्लिक नोटिस है जो कि NTA ने लॉन्च किया था 23rd September को, जिसके अंदर एक क्लियरली मेंशन है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार NEET का एग्जाम दिया था वो दोबारा से अपनी फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं. और जो फॉर्म में करेक्शंस होंगे वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड में ही हो पाएंगे. सबसे पहला है मदर्स नेम, दूसरा है फादर्स नेम, थर्ड इज जेंडर, फोर्थ इज कैटेगरी, फिफ्थ इज योर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी एंड नेशनलिटी. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी एक ऐसी चीज है जहां पे आपकी रैंकिंग और आपका कॉलेज, आपके मार्क्स और आपकी परसेंटाइल ही सफर करेगी. क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने कोई और कैटेगरी डाल दिया है तो वो तब भी सफर करेगा, दूसरे बच्चे को सफर करेगा. अगर आप किसी कैटेगरी में हैं और आपने जनरल रख दिया है तो वो आपकी कॉलेज की रैंकिंग पे सफर करेगा, राइट. तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो ये करेक्शन है ये 30th September तक इसको कर लें. आप NTA की वेबसाइट पे जाके ये नोटिस देख सकते हैं सो देट आपको वेरीफाई हो जाए. देन ये जो करेक्शन विंडो है ये, इसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ पेमेंट करना होता है. एक नॉमिनल अमाउंट होता है जो आप एडिशनल पेमेंट कर सकते हैं. ये आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, राइट. ये फाइनल चेंज है स्टूडेंट. प्लीज 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 कोई भी स्टूडेंट ना ही NTA को मेल करिए ना फैक्स करिए. हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आ रही थी जिनमें बच्चों ने NTA को डायरेक्ट मेल किया था कि हमारे पास ये करेक्शंस हैं, इसको आप प्लीज करिए. तो डोंट डू दैट बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल गोइंग टू एंटरटेन दैट. उन्होंने करेक्शन विंडो इसीलिए निकाला है सो दैट आप अपने जो भी करेक्शंस हैं, अगर आपकी ये करेक्शंस होती हैं तो आप इसको कर सकें. तो प्लीज ये लास्ट चांस है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए ताकि आपका रिजल्ट और बेटर आ पाए. और अगर आपको कोई भी NTA से रिलेटेड या NEET से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप हमारे हमें कमेंट्स करिए, हम डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाएंगे. गाइज प्लीज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज.